मोदी ही बनेगा ना दोबारा पीएम तो इस हवाले से हमारा वीडियो होने वाला है इसके ऊपर पूरी दुनिया ने पूरी दुनिया जब हम कहते हैं इसका मतलब ये कि जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिया को कांग्रेचुलेट है खासकर पीएम मोदी को कांग्रेचुलेट किया है और पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई भी रद्द अमल नहीं पेश किया वो एक्सपेक्टेड था और वही पाकिस्तान ने किया इसके ऊपर हम देखने वाले हैं आपके साथ वर्ल्ड अफेयर स्टडी आई का वीडियो वर्ल्ड अफेयर फेर पर प्रशांत हमने काम बड़ा किया नहीं इसलिए वर्ल्ड अफेयर इसका मतलब ये है कि तुम मानता पाकिस्तान बड़ा देश है हाँ मैम यार पता नहीं कहा

एशिया के जो बाकी देश हैं सिंगापुर मलेशिया उनके ऑथर्स हैं वो लगातार पब्लिश कर रहे हैं कि देखिए अब इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें इतनी स्पीड आपको नहीं दिखेगी जो ये आठ आठ परसेंट की ग्रोथ रेट हम दिखा रहे थे अब उसको अचीव करना मुश्किल हो जाएगा इनके हिसाब से इंडिया वॉन्ट्स टू बी द न्यू चाइना मोदी शौक इलेक्शन रिजल्ट शोज इट वोंट बी ईजी नाउ ये इनका व्यू है कि इंडिया के इलेक्शन रिजल्ट इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है इस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सी एन एन में कई जो इंडिया के ऑथर्स हैं वो कह रहे हैं कि ग्रोथ स्टोरी इंडिया की अभी भी बनी रहेगी इलेक्शन को लेकर जो भी शौक आया हो जो भी नंबर आए हो इससे इंडिया का इकोनॉमिक बूम नहीं रुकने वाला हो इनमें से कौन सही है कौन गलत है वक्त ही बताएगा देखना होगा कि इंडिया क्या जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स हैं उनको पास कर पाएगा या नहीं ना फिर अगर हम बात करें की फ्रॉम वर्ल्ड वर्ल्ड लीडर्स लीडर्स दुनिया भर के इंडिया को विश कर रहे हैं आज के समय हालांकि मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी इंडिया का जो इमीडिएट नेबर है पाकिस्तान वहां से अभी तक कोई भी पब्लिक विश इंडियन गवर्नमेंट को या पीएम मोदी को नहीं सेंड करी गई है पाकिस्तान बिल्कुल चुप है ऑल पाकिस्तान का जो मीडिया है मैं देख रहा था आई मीन ऑलमोस्ट इनके सारे ही बड़े मीडिया आउटलेट्स इंडिया के इलेक्शन को एक्सटेंसिवली कवर कर रहे थे पे उम्मीद है नहीं कि अब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में एक बड़ा बदलाव आएगा न इंटरेस्टिंगली बहुत लंबे समय तक ना पाकिस्तान के साथ लोग ये भी कह रहे थे कैनेडा के भी बिल्कुल चुप है कैनेडा की तरफ से भी कोई विषय आई नहीं है बट इन दी एंड हमने देखा कि जस्टिन टूडो का एक जो ऑफिशियल अकाउंट है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि कॉन्ग्रेचुलेनिस्टर है वहाँ पर रहेगा. Rights, बात कर रहे हैं और वे पॉसिबिलिटी है कि शहबाज शरीफ की जब चाइना विजिट खत्म होगी अभी वैसे शहबाज शरीफ चाइना में है जब उनकी चाइना विजिट खत्म होगी पांच दिन की उनकी विजिट है चाइना की उस पर हो सकता है कि मैं अलग से वीडियो लेके आऊँ

अब बात करते हैं उन कंट्रीज की जिन्होंने खुल के इंडिया को कंग्रेचुलेट किया है सबसे पहले तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इमान माखराव ये बहुत खुश होंगे कि पीएम पीएम मोदी मोदी वापस आ चुके हैं के अंडर ही इंडिया फ्रांस के रिलेशंस नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं इंडिया ने परचेस किया है फ्रांस से सम्बरीन डील्स की बात हो रही है और पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर इंडिया और बहुत सारे रफायल परचेज करेगा फ्रॉम फ्रांस तो इमानुअल माखराव को इस बात की खुशी है कि जिस लीडर से इन्होंने कई सालों तक बात करी है एक आप कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी है वही कंटिन्यू रहेगी इनको अब मोदी तो को पॉसिबिलिटी है कि आने वाले पांच सालों के अंदर अंदर इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो जाए बट उससे पहले आप देखोगे यूरोपियन यूनियन के खुद के इलेक्शंस होने हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा यूरोपियन यूनियन में किस की सरकार बनती है, आई थिंक एक बार जब यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस भी खत्म हो जाएंगे उसके बाद दोनों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आराम से साइन हो पाएगा फिर ऑब्वियस बात है देखिए जॉर्जिया मिलोनी का मैसेज आना ही था इन्होंने भी यहां पर कॉन्ग्रेचुलेट किया है ऑब्वियस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इटली होस्ट है जी समिट का और पीएम मोदी का जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा आठ तारीख को उसके बाद डायरेक्टली ये जाएंगे जी सेवन समिट को अटेंड करने के लिए और इवन दो इंडिया एक जी सेवन कंट्री है नहीं इंडिया को अलग से एज ए स्पेशल गेस्ट हमेशा जी सेवन मतलब ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज अच्छा इन्वाइट किया जाता है बाय द जी सेवन कंट्रीज एटलीस्ट पिछले पांच छह सालों से हम देख रहे हैं कि ये एक नॉर्म बन चुका है ना फिर हम बात करते हैं यूएसए की यूएसए की जो विषय ये थोड़ी सी लेट आई थी मगर बाइडन ने खुल के कॉन्ग्रेचुलेट किया है पीएम मोदी को और ये कहा है कि इंडिया और यूएस के रिलेशन अब बढ़ने ही वाले हैं आप एक बात नोट करना कैनेडा की जो वेश है और बाकी कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनकी वेश है उसमें कितना बड़ा फर्क है क्या यूएस तो बहुत ही जल्द अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जेक सुलेवन इनको भारत में भेजेंगे बात करेंगे पीएम मोदी से इंडिया यूएस जो पार्टनरशिप है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा इसका एक रोड मैप बनाया जाएगा तो अभी की विजिट होगी इन इंडिया दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी यूएस के बाद अगर हम देखें रशिया को रशिया आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए एक एनर्जी सप्लायर बन चुका है इंडिया का रशिया और व्लादिमिर पुतिन ने खुद फोन करके बाकी लीडर्स का अलग स्टाइल है ट्वीट कर या फिर उनका जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने कुछ पब्लिश कर दिया पुतिन डायरेक्ट फोन करते हैं और पता नहीं क्या फीलिंग आती होगी मतलब आप फ़ोन उठा रहे हैं वहाँ पे लिखा है व्लादिमिर पुतिन कॉलिंग और पुतिन की शक्ल बनी हुई है खैर मजाक कर रहा हूँ पुतिन ने यहाँ पर कॉल किया पीएम मोदी को और उसके अलावा रशियन गवर्नमेंट ने प्रॉपरली पब्लिश भी किया है कि पीएम मोदी और व्लादिमिर पुतिन ने फोन कॉल में डिस्कस किया कि किस तरीके से इंडिया और रशिया के रिलेशंस ये आगे और बढ़ाएंगे और याद रखिएगा इस साल पॉसिबिलिटी है पीएम मोदी रशिया भी जाए ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए वो अक्टूबर 2024 में होगा ना फिर हम बात करते हैं चाइना की देखिए शी जिनपिंग ने खुद अपनी तरफ से ऑब्वियसली कुछ ट्वीट वगैरह कोई मैसेज कुछ दिया नहीं है चाइना का जो विदेश मंत्रालय है उनकी तरफ से एक बहुत ज्यादा कोल्ड स्टेटमेंट आई है बस ये का के हम चाहते हैं कि स्टेबल रिलेशनशिप हो इंडिया के साथ और कॉन्ग्रेचुलेशन टू पी एम मोदी फॉर द इलेक्टोरल विक्ट्री मतलब इनका जो विदेश मंत्री है वो चुप है शी जिनपिंग चुप है बस जो स्पोक्समैन है इनके विदेश मंत्रालय के उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी वो भी तब जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा ना अब यहां पे आप पूछोगे इंडिया के आसपास जो बाकी देश है उनका क्या बांग्लादेश श्रीलंका भूटान नेपाल मॉरिशस मॉलडीव्स देखिए इन सब कंट्रीज ने पीएम मोदी को कॉग्रेचुलेट किया है और पीएम मोदी का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा हो आठ तारीख को उसमें आप देखोगे बांग्लादेश श्रीलंका भूटान नेपाल मॉरिशियस के जो लीडर्स हैं इन सबको इनवाइट किया जाएगा इससे पहले मुझको याद है 2014 में जब पीएम मोदी सबसे पहले पीएम बने थे तब इन्होंने सारी सार कंट्रीज के लीडर्स को किया था इनवाइट नवाज शरीफ भी इंडिया में आए थे तो पाकिस्तान के साथ देखिए रिलेशंस काफी कोल्ड है आई मीन पाकिस्तान कुछ विश भी नहीं कर रहा कुछ स्टेटमेंट भी नहीं आ रही वहां से ना पाकिस्तान को इन्वाइट किया गया है

डिप्लोमेटिक मतलब होता है अब उर्दू में इसको कैसे बताऊँ ये बता कि मतलब मेरे माइंड में जो बात आ रही है अभी कि जिस तरह वो बाकी कंट्रीज हैं जिन्होंने वेच किया है उनको तो मुफाद है ना एक ने जहाज़ तो सबको ही ने मुफाद है, है। किसको क्या है? एक भी किस, किसने को रिश्ता दिया हम किसी को वो तो <laughs> वो तो ऐसी बात है लेकिन वैसे है मैं बात करूँ कि एक ने जहाज़ ले लिया एक को एक बातचीत चल रही थी तो उनको ये था कि भाई हमको अब नई सरकार से बात नहीं करनी पड़ेगी तो इस सेंस में भी पाकिस्तान के साथ तो वैसे तलकान उनके ऐसे हैं जैसे वो क्या लीजिए चूहे और बिल्ली का खेल होता है तो क्या कह सकते हैं हो सकता है कि वो जो गेम है जनाब साहब चाइना में शंगपुंग से मिलने के लिए शंगपुंग जब वहाँ से वापस आएंगे तब तो शायद कर दें विश लेकिन वैसे ये भी अगर, एक एक्सक्यूज ही है क्योंकि अगर लेकिन ये है कि अगर वो विश करते हैं फॉर एग्जाम्पल पा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या कोई पाकिस्तान की तरफ से जो मेन लीड करते हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं पाकिस्तान को तो अगर वो विश करते हैं

तो ट्रेड तो हो गई ना लेकिन तैलुक अच्छे करने के लिए सबसे पहले कदम भी बढ़ाना है क्योंकि जरूरत सबसे ज्यादा इस टाइम हमें हमको है हमें उनको कोई जरूरत नहीं है उनके पास बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जो मतलब उनके साथ चल रहे हैं वो सबके साथ एक अपना काम चला रहे हैं मतलब सबसे मरा दिया कि जरूरत उनको भी है लेकिन उनको उतनी ज़रूरत नहीं उनको मतलब कह लो कि कुछ नैनो सेकंड के अंदर जरूरत होगी लेकिन उसके अलावा जितनी भी परसेंटेज के अगर हिसाब से देखें तो हमें वो भी नहीं है मेरे ख्याल से है सही है लेकिन बहुत कम है देख देखना अभी एक चीज है वो इतनी घूम के आती है तो मैं ही कहना चाह रहा था हमने इंडिया के साथ ये नहीं करना हमने वो नहीं करना तो फिर तो यही काम होगा जो अभी तक होता है जो पहले भी हमने ट्रेड मंथ किया उसका नुकसान अभी तक हम इस जील रहे हैं तो आगे भी हमने जीलना है मतलब जीलने से बढ़ा दिया उसको है झेलना है एक ही बात है अच्छा भैया मेरे को बात बता कि तेरे हिसाब से इंडिया पाकिस्तान ट्रेड नहीं कर रहा पाकिस्तान के लिए तो जनमन बात है कि पाकिस्तान नहीं चाह रहा नहीं। तो पाकिस्तान को कहीं ये तो नहीं कि अगर हम ट्रेड करेंगे तो वो हमको इसके बदले कश्मीर कर देना पड़ जाएगा और नहीं नहीं ऐसे पूरी दुनिया में कई जगह होता है वो आपस में ट्रेड करते हैं उनके जो ज़मीन के मसले वो चलते रहते हैं ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है पाकिस्तान अगर ऐसे सोच रहे तो फिर इनकी कम सोचती है लेकिन इसमें तेरे हिसाब से कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि हालांकि सोच में प्रॉब्लम तो तुझे तू जब तूने ये बात बोली इसका मतलब तूने जस्टिफाई कर दिया सोच में प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की वो तो ट्रेड करना चाह रहे थे पहले कर रहे थे बंद करने वाले हम थे उनको लेकिन हम यार मतलब एक, मतलब एक नहीं यार यार सोच कैसी यार टमाटर प्याज हम इंडिया का खा रहे हैं लेकिन हम खा रहे हैं कि वो कंटा से होके ठंडा होके हमारे पास आ रहे हैं ठंडा हो गया ठंडा ना वो ठंडा होके गया हमारे पास आ रहे हैं तो मतलब बंदा बोले कि आप ये हाथ बढ़ाएं तो इंडिया से आप पकड़ लें वैसे पकड़ ले, ले। कॉस्ट कम पड़ेगी आपको तो इतना मुश्किल तो नहीं है कोई कंट्री चलाना इतनी समझ होती चला ना लेते मेरे तो कभी ऐसी उल्टी बात लगा सभी में खैर क्या कह सकते हैं बिल्कुल ये हमारा ओपिनियन था आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट्स में लास्ट में बताना रहे हैं वर्ल्ड स्टडी आई क्यू आई को अगर आप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में है, मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए